हिना साहब आएंगे उद्घाटन करने के लिए और ओसामा साहब और बहुत से लोग हैं। अभी दिल्ली के जो प्लेयर आ रहे हैं उसमें समझ लें कि 6 प्लेयर नाइजीरियन है। हाँ नाइजीरियन। इक्कीस तारीख करीब आ गया है, तमाम लोग इंतजार भी कर रहे थे कि ऑल इंडिया फुटबॉल जो टूर्नामेंट है इसको आगाज कराया जाएगा। देखिए ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये जो बांस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये 3 कलर्स जो कि तिरंगा है उसके हिसाब से इसको रंग दिया गया। लेकिन एक और नया चीज़ देखने को मिला है ना, ये देखिए लिखा गया है डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024, यानी साहबुद्दीन दिल्ली और पटना, ठीक, उसके बाद कलकत्ता, नेपाल, धनबाद, बक्सर, बॉम्बे, ठीक है, 8 टीम हम लोग का, जो कि सिवान, जो यूनाइटेड सिवान है उसका टीम है, जिसका उद्घाटन 21 तारीख को होगा, जिसमें BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्वागत है आपका एस यूनुस में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। ये देखिए पूरे ये कमेटी के लोग हैं, चूंकि अगर बातचीत की जाएगी तो फुटबॉल मुकाबला में चूंकि पूरा जो ये होता है फील्ड होता है ना पूरा बराबर चाहिए इस पे, ठीक है, और कई दिन से पानी इस पे डाला गया था, उसके बाद से लगभग महीनों दिन कार्य चले इस ग्राउंड पे, उसके बाद से यानी 21 तारीख करीब आ गया है, तमाम लोग इंतजार भी कर रहे थे कि ऑल इंडिया फुटबॉल जो टूर्नामेंट है इसको आगाज कराया जाएगा। देखिए ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये जो बांस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये 3 कलर्स जो कि तिरंगा है उसके हिसाब से इसको रंग दिया गया। लेकिन एक और नया चीज़ देखने को मिला है ना, ये देखिए लिखा गया है डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024, यानी साहबुद्दीन साहब के नाम को समर्पित किया गया है इस टूर्नामेंट को और इस फुटबॉल को। हालांकि इंडिया के कई ऐसे बड़े बड़े स्टेट के प्लेयर इस मुकाबले में खेलने के लिए आ रहे हैं और ये मुकाबला 21 तारीख से शुरू होगा। आप तमाम लोग जानते होंगे जो कि ग्राउंड पर एडवर्टाइजमेंट होता है वो होते रहता है, लेकिन आज हम लोगों ने चाहा कि जाने आखिर कहाँ कहाँ की टीमें आएंगी और किस स्तर से मुकाबला होगा, फाइनल कब होगा, इसकी शुरुआत कब होगी, टाइमिंग क्या होगा, ये तमाम लोग हैं जो कि आप लोग जानते होंगे फुटबॉल मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, तो तमाम लोग एक जुड़े हुए हैं। कई दिनों से इस पर कार्य चल रहा था और सफल अब हो गया है कार्य, ये 21 तारीख से मुकाबला शुरू होगा। जानेंगे टूर्नामेंट अध्यक्ष हैं, कोषा अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस टूर्नामेंट में काफ़ी अपना सहयोग दे रहे हैं, इन लोग से जानेंगे आखिर ओसामा साहब कब आएंगे और हिना साहब कब आएंगी, चूँकि तमाम ऐसे चर्चाएँ चल रही हैं कि राजनीतिक मंच नहीं है, हालांकि साहबुद्दीन साहब के नाम से टूर्नामेंट को कराया जा रहा है और उन्हीं के नाम को समर्पित किया गया है टूर्नामेंट। चलिए हम जानते हैं टूर्नामेंट अध्यक्ष हैं, परिचय के साथ स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम इरफान अली खान है, मैं मुर्गिया टोला का रहने वाला हूँ और हम लोग मेरे पूरे गांव के जी ख्वाहिश था कि भाई बहाड़िया का जो पूरे पब्लिक किया ख्वाहिश था कि एक फुटबॉल मोहम्मद साहब डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के नाम से किया जाए, जिसकी वजह से हम लोग अपना सब आदमी मिल के पूरे बहाड़िया का तैयारी करके हम लोग 21 तारीख को ओपनिंग है, जिसमें टूर्नामेंट का आप क्या है अध्यक्ष है जी। चलिए तो कौन कहां कहां से टीमें आ रही है, पहले ओपनिंग मैच है दिल्ली और पटना, ठीक, उसके बाद कलकत्ता, नेपाल, धनबाद, बक्सर, बॉम्बे, ठीक है, 8 टीम हम लोग का, जो कि सिवान, जो यूनाइटेड सिवान है उसका टीम है, जिसका उद्घाटन 21 तारीख को होगा, जिसमें हिना साहब आएंगे उद्घाटन करने के लिए और ओसामा साहब और बहुत से लोग हैं जो उनके जाने वाले चाहने वाले कि उसमें आएंगे, हमारे गेस्ट जो बाहर से भी गेस्ट आ रहे हैं, जैसे हमारे एक गेस्ट हैं नजर आलम साहब जो दरभंगा से चल के आएंगे, नजर आलम साहब का भी आगमन होगा, हाँ हाँ, जो बिहार से लोग आ रहे हैं, इसलिए सवाल ये है कि विदेशी प्लेयर नजर आएंगे, चूंकि पिछले बार देखा नाइजीरिया के प्लेयर थे, अभी दिल्ली के जो प्लेयर आ रहे हैं उसमें समझ लें कि 6 प्लेयर नाइजीरियन है, नाइजीरियन है। लेकिन इरफान साहब आपको मुझे लग रहा है पहली मरतबा फुटबॉल टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया है। नहीं, हम लोग पहले कराए, अध्यक्ष दूसरा आदमी था, मगर हमने अपने बदौलत, हमारे गांव के बदौलत, बहड़िया के बदौलत, हम लोग खुद अपने दिल से चाह के, जो कि हम लोग अपना ख्वाहिश था कि MP साहब के, जो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के नाम पे हम लोग टूर्नामेंट कराए। पहले तो होता था साहबुद्दीन साहब के नाम से, होता था, बहुत पहले हुआ, अभी नहीं हुआ था, मगर हम लोग ये 2024 में 21 तारीख को जो उद्घाटन होएगा, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश रहेगा कि भव्य तरीके ने सबसे बेस्ट हम लोग यहाँ दें और जो भी पब्लिक आएगा
उसको हर चीज का व्यवस्था है, ऐसा नहीं व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बढ़िया ग्राउंड में गैदरिंग हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, जितना भी वॉलंटियर रहेगा सब एक कलर में रहेगा और उसका गारंटी हम दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एकदम शांति से, एकदम शांतिपूर्वक मैच होगा, ये मेरा आश्वासन है। उप चेयरमैन पति क्या कहेंगे, किस तरीके से प्लानिंग कब बना कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नाम पे फुटबॉल टूर्नामेंट हो? आपका चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा बिहार वासियों को और सिवान वासियों को और बढ़रिया प्रखंड वासियों को मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ कि ये जो मैच हम लोग करा रहे हैं बढ़रिया ग्राउंड में, एक ऐतिहासिक ग्राउंड है और एक ऐतिहासिक मैच इस ग्राउंड में हम लोग कराने जा रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का। ये जो मैच हो रहा है ये काफ़ी दिन से हम लोग इसका प्रचार भी हम लोग कर रहे हैं गाड़ी पे, 5 दिन से प्रचार चालू हुआ है पूरा गोपालगंज सिवान तरवारा बढ़रिया पूरा हर जिले में हम लोग प्रचार जारी रखे हुए हैं। ये मैच होगा एक बहुत शानदार मैच और मजबूती से ये मैच हम लोग कराने जा रहे हैं बढ़रिया ग्राउंड में। कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगा मैच? ये हम लोग का स्टार्ट दिन में 2:30 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रहते हैं पिछले साल भी आप एक्टिव थे, इस बार भी फुटबॉल में एक्टिव हैं, स्वागत है। जी जी जी, आप लोग को भी स्वागत है, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से पिछला टूर्नामेंट बहुत जोरों से और यहाँ से नहीं बिहार से नहीं पूरा इंडिया तक आपके चैनल्स के माध्यम से विदेशों से फ़ोन आया करता था कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। हमको लगता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के नाम से टूर्नामेंट 2024 का आयोजन होने जा रहा है। जो पिछला अनुभव है हमको इस बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बार उससे भी अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ पूरे दर्शकों को कि 21 तारीख को शुभ उद्घाटन है जो दिल्ली और पटना खेलेगी, 22 को सिवान यूनाइटेड और बक्सर खेलेगी और इसमें से जो विजेता रहेगा 23 को सेमीफाइनल खेलेगा, 24 तारीख को आपको नेपाल और नेपाल की ओरिजिनल टीम आएगी नेपाल और आसनसोल रेल खेलेगी 24 तारीख को और 25 तारीख को मुंबई और कलकत्ता दुर्गा स्टील कंपनी खेलेगी जो कि ढाका में फाइनल विजेता हुई थी और वो 25 तारीख को होगा और इसमें से जो टीम दोनों में से जीतेगी 26 तारीख को सेमीफाइनल होगा और फाइनल 28 को अलविदा मैच होगा जो बहुत ही शानदार होने जा रहा है और 27 तारीख को एक वनडे लेडीज मैच है जो सिवान और मुजफ्फरपुर के बीच खेला जाएगा। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा दर्शकों का कि इस बार की टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा और बहुत सुनहरा, बहुत खूबसूरत और सुनहरा मौका है दर्शकों को देखने के लिए। मैं सुनील कुमार चंद्रवंशी बरहरिया पूर्व मुखिया। इतना खुशी है फुटबॉल मुकाबला हो रहा है, इतना बड़े बड़ी टीम आ रही है इस ग्राउंड पे। इन साल हम लोग यहाँ बहुत खुशी है कि इतना अच्छा अच्छा टीम आ रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी है यहाँ के पब्लिक से कि सब लोग का कहना है कि इन साल शहाबुद्दीन साहब के नाम से टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ का पब्लिक का हमेशा ही कहना था, अगला साल हम लोग जो मैच देखे तो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से खिलाया गया था, लेकिन इस साल बढ़रिया की पब्लिक का सबका हिंदू मुसलमान का नाम था कि नहीं इन साल का मैच शहाबुद्दीन साहब के नाम से कराया जाए। और हम लोग इन साल हमारे भूतपूर्व मुखिया सुनील साहब, भूतपूर्व मुखिया वीरेंद्र साहब, वीरेंद्र बलिस्टर साहब बढ़रिया के, हाँ हाँ वो भी है और जितना यहाँ के अश्वन जी और बढ़रिया के जितना भी मैंने व्यवसायिक लोग हैं सबका कहना था कि इन साल शहाबुद्दीन साहब के नाम से हम लोग टूर्नामेंट कराएं और हम लोग करा रहे हैं और लग रहा है कि पूरा यहाँ की सहयोग का पब्लिक खुश है। खेलते तो नहीं हैं और खिलाते तो जरूर हैं, देखते हैं और बच्चे लोग को तालीम भी देते हैं और ये टूर्नामेंट जो हो रहा है ये जिनके नाम से हो रहा है इस चीज़ से उन्होंने बहुत रुचि रखते थे खेल जगत में, वो बहुत दूर दूर तक की टीम बुलाए थे, हमने देखा है जैसे फगवाड़ा मॉडर्न स्पोर्टिंग सिवान स्टेडियम में उसमें 150 और 500 का टिकट था, दर्शक लोग को खड़ा होने का जगह नहीं था उसमें, हम लोग थे टिकट के बाद भी। तो जिनके नाम तो होता है तो नाम तो पूरी दुनिया में है और खेल से उन्होंने इतना रुचि रखते थे उन्हीं के नक्शो कदम पर हम लोग भी चल रहे हैं आज के डेट में। और रही बात खेल की तो खेल तो भाईचारगी का चीज़ है,
खेल के लिए शरीर, खेल के लिए शरीर को बहुत मजबूती पहुंचाता है, उतना ही एनर्जेटिक है, बिल्कुल है। और हम लोग को आज भी हम लोग कोई खिलाए तो भोजपुरी में कहा गया है कि कितनों बड़ बैल बूढ़ हो जाए तो हरा ही नहीं भुलाएगा, तो हम लोग कितना है ना, तो ये बहुत कुछ है। रही बात खेल, खेल जो हो रहा है ये बहुत ऊंचे पैमाने पर हो रहा है, होना चाहिए, हम लोग इससे बहुत रुचि रखते हैं। इसके पहले भी क्रिकेट जकरी बाबू ने कराया है, वही बहुत बढ़िया हुआ है और आगे भी होगा, हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है, आगे भी होता भी रहेगा। भाई एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, बिल्कुल एकदम दिल से है, और पूरे बरहड़िया की जनता जो है, सबसे पहले आपके आप लोग आपके चैनल के को धन्यवाद देंगे हम कि आपने मैच के लिए और मैच का पूरा प्रचार प्रसार दिखाने के लिए आप लोग मेहनत में लगे हुए, आप लोग भी हम लोग का सहयोग दे रहे हैं, और हमारी बरहड़िया की सारी जनता जो है एकदम दिल से लगी है इस मैच की तैयारियों में जो 21 तारीख से शुभारंभ होगा। साहब के नाम पर सरगे साहबुद्दीन साहब के नाम पर ही फुटबॉल होने जा रहा है, और सभी हम लोग व्यवस्था में हैं, फुल टीम में हैं, हिना साहब भी आएगी और क्या नाम है ओसामा साहब भी उद्घाटन के दिन आएंगे, अपना परिस्थिति से करेंगे बस। फील्ड में मैच हो रहा है साहबुद्दीन साहब के अथी से, और हम लोग सहयोग में हैं, हम लोग मुन्ना खान हैं सब, बहुत लोग यहाँ के लड़के लोग हैं और सहयोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खुशी बहुत खुशी में, बहुत खुशी है, खुशी क्या है, हर दिन आएंगे ना, हर जगह मेरा ही घर है, मेरे द्वार तक क्यों नहीं आएंगे, हम ही लोग करा रहे सब, तो मेरे ही बच्चे हैं। तो आप लोग एकदम खुश हैं? हाँ एकदम खुश हैं हम लोग, आप लोग का खेल हो रहा है। हाँ हम लोग का जवानी के जो मौसम था, बच्चा लोग अपने कर रहा है, इससे बढ़िया क्या खुशी है, सहयोग है हर चीज से, सहयोग है। मफलर बांधे हैं, इतना बड़ा आयोजन आप लोग करवा रहे हैं, ठंड लग रहा है, ठंड का दिन है तो गर्मी लगेगा जी, अध्यक्ष है क्या कहेंगे, खुश हैं, हम ही लोग करा रहे हैं तो फिर खुशी की नहीं होने की क्या बात। जी जिस उम्मीद से आप लोग तैयारी में लगे हुए थे इतना दिनों से, क्या उस उम्मीद पे पूरा तैयारी कर ली गई है ग्राउंड में? एकदम तैयारी हो गई है, कामयाबी है, हम लोग कामयाब है। कोसा अध्यक्ष हैं आप, सवाल ये बनता है कि जब ओसामा साहब हिना साहब का आगमन होगा जी, भीड़ काफी ज्यादा हो जाएगी, ये मैनेज कर रहा, मुझे नहीं लग रहा कि शायद पॉसिबल हो पाएगा, सब लोग मैनेज करने लगे, किसी को माइनस करने की जरूरत नहीं है, सारे लोग माइनस करने लगे, सारे लोग कंट्रोल में रहेंगे, भीड़ किसका होगा, जब सब लोग कंट्रोल में रहेंगे तो किसको रोकना, क्योंकि दर्शक काफी दूर दूर से लोग आते हैं, तो काफी सब लोग उसके बेचैनी में है देखने के लिए उन लोगों को, इसीलिए ना कह रहे हैं कि मैच होगा, इधर गेस्ट आएंगे बड़े बड़े गेस्ट, तो फिर माइनस के लिए कोई दो, सारे लोग एक पैर पर खड़े हैं कि सब लोग एक ही बात कहेगा, सब लोग खाली रखेंगे, सब लोग खाली रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब खाली हो जाएगा। कि ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, हम लोग किसी आदमी को कुछ भी तकलीफ होने नहीं देंगे यहाँ बरहड़िया ग्राउंड में, खास करके जी सब लोग आराम से आएंगे, आराम से आएंगे और आराम से जाएंगे, ये मैच जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा और खूबसूरत होगा, हम लोग का कोशिश है, पहली मर्तबा अध्यक्षता कर रहे हैं, हाँ इसके लिए, हाँ इसके लिए हम बोल दिए ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा जिससे किसी को तकलीफ हो, हाँ हम चाह रहे हैं कि बढ़िया सिवान गोपालगंज कहीं का भी आदमी आए उसको कुछ भी, हम लोग को उसको शांति से हम लोग यहाँ रखेंगे, और बजाबते जो भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे, और कोई ऐसा भीड़ में कुछ भी नहीं होगा, हमारे गांव के जितने बच्चे लोग हैं सब सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी सर बोला जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, हाँ तो एकदम आप लोग एकदम टाइट माहौल बनेगा, है ना, माहौल बनेगा इंशाल्लाह, जी तो खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, बहुत खुश है, देख नहीं रहे हैं पूरा पब्लिक कितना दिलो जान से लगा हुआ है, पूरा ग्राउंड को सजाने में या संवारने में सब लोग लगा है, नहीं लगा गांव के पब्लिक के लोग सब लोग नहीं, पूरा बरहड़िया का लोग है, खाली गांव का पब्लिक नहीं है, पूरा बरहड़िया के लोग हैं, ये इसमें कोई मजदूरी टाइप का नहीं है, अपने अपने दिल से लोग आके लगे हुए, किसी को बुलाना भी नहीं पड़ा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई बांस गाड़ रहा है, कोई कपड़ा लपेट रहा है, देखा जाए कोई इस पे दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, सब लोग अपने से जो जिसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। आगे हमारे